स्मॉल थिंग्स आर सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट। तो आज हम देखेंगे कि अपने घर की छोटी सी चीज़ को एक अलग नज़र से देखकर और उस बेकार पड़ी हुई चीज़ को अलग तरीके से यूज़ करके हम अपने घर को इतनी खूबसूरती से और ज़िंदगी से भर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सो वेलकम ऑल माई लवली व्यूअर्स, मैं रश्मि और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रश आर्ट विद मी पर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हमारे घरों में ऐसी बहुत सी बेकार सी चीजें पड़ी होती है जिन्हें हम रख भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते, और उन्हीं में से एक होते हैं अपने कप्स, जिनके इतने सुंदर सुंदर कलर्स और डिज़ाइंस को देखकर उन्हें फेंकने का मन ही नहीं करता। लेकिन जब उनके हैंडल्स टूट जाते हैं और वह कहीं से चिप हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि बिना उन कप्स में होल किए हुए और ना ही उन्हें कलर या पेंट किए हुए हम अपने लिए एक छोटा सा गार्डन कैसे क्रिएट करें। सो उसके लिए हम पहले ले लेंगे एक प्लेट में थोड़ी गार्डन सॉइल। सो आप कहेंगे कि मेरे यहाँ पे तो गार्डन है ही नहीं, तो मैं कहाँ से गार्डन सॉइल लूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गार्डन सॉइल पर्टिकुलरली अपने गार्डन से ही उठानी है, रोड साइड से आप कहीं से भी उठा लीजिए। सो उसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा कोकोपीट और उसी के साथ ले लेंगे थोड़ी सी क्रश, और ले लीजिए कुछ प्लांट्स जिन्हें आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं, और ले लेंगे अपने टूटे फूटे कप। सो नीचे से हमने उसमें होल तो नहीं किया है, तो पानी को नीचे कलेक्ट होने के लिए हम उसमें थोड़ी सी पहले क्रश डालेंगे और उसके ऊपर से भर देंगे थोड़ी सी मिट्टी और कोकोपीट का मिक्सचर। आधे कप में भरकर ऊपर से प्लांट रख दीजिए और फिर से सारे कप को उसी मिक्सचर से भरकर अच्छे से प्रेस कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक या फिर होममेड कंपोस्ट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से प्रेस करके भरिए ताकि उसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे, और हम जब पानी डालेंगे तो अपने आप ही वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। सो हमारा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्लांट विद प्लांटर रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हम इसी मेथड से सारे कप्स को भर लेंगे। तो सेम फर्स्ट प्लांट के स्टेप को फॉलो करके हम अपना सेकंड प्लांट भी यहाँ पे प्रोपोगेट कर लेंगे, जो कि है रियो का। वैसे ही मैंने स्नेक प्लांट के पत्ते को कट करके भी यहाँ पे प्लांट कर दिया है, और प्लांट करने के बाद थोड़ा सा पानी देना तो बनता है। तो हमारा ये छोटा सा वाटर कैन रेडी है इन छोटे छोटे प्लांटर्स को पानी देने के लिए। सो विदाउट डेकोरेशन हमारा गार्डन कंप्लीट कैसे होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सम पेबल्स जो ग्रीन वाइट एंड मिक्स कलर्स में है। तो अपने सारे प्लांटर्स को इन रंग बिरंगे पेबल से सजा दीजिए और आपका ये मिनी गार्डन रेडी हो जाएगा। ये रंग बिरंगे पेबल्स आपके प्लांट्स को एक कलरफुल लुक तो दे ही देंगे, लेकिन इससे और एक काम होगा कि जब भी आप पानी डालेंगे या फिर हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी नहीं और बाहर नहीं गिरेगी। और दूसरा एक फ़ायदा कि बहुत दिनों तक आपके प्लांट्स को आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पेबल्स कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, इनको मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से शायद मंगवाया था
250 रुपीस के 5 kg, तो 5 kg बहुत सारे आए। उसे मैंने अपने एक्वेरियम के लिए मंगवाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर भी यूज़ कर लिए थोड़े से। सो अगर आपके पास ज़्यादा जगह ना हो, आपके पास मनी ना हो इन्वेस्ट करने के लिए अपने गार्डन में, या आपको लगता है कि मुझे गार्डनिंग तो करनी है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर बहुत पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जगह इन्वेस्ट होती है और टाइम भी इन्वेस्ट होता है, और ऊपर से बहुत सारी केयर करनी पड़ती है, तो आप इस छोटे से गार्डन से स्टार्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि गार्डनिंग कितनी स्ट्रेस फ्री होती है, उससे इतना मज़ा आता है करके। और जब ही ये छोटे छोटे प्लांट जो हम कटिंग्स से लगाते हैं जब ग्रो हो जाते हैं, उन्हें देखकर जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती, और गार्डनिंग से आप खुद को टेंशन फ्री महसूस करेंगे। तो प्लीज़ आप भी इस तरीके से अपना गार्डन बनाइए, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं और उनको मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी डालती हूँ, बस कुछ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस ऐसी जगह पर रख दीजिए अपने विंडो साइड पर जहाँ पर थोड़ी सी छान के धूप आ रही है, या फिर अपने घर की किसी ब्राइट एरिया में रख दीजिए, और इनसे कोई भी गंदगी नहीं होगी क्योंकि हमने नीचे से होल नहीं किए हैं, तो पानी लीक नहीं होगा, ना ही मिट्टी फैलेगी, तो इसकी वजह से आप इन्हें कहीं पर भी अपने साइड टेबल पे, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने किचन प्लेटफॉर्म की विंडो पे भी सजा सकते हैं, और कुकिंग करते वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम देखेंगे अभी कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लगाए, और मैं इसके बाद का 1-1.5 हफ्ते बाद का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि उसमें से कैसे नए शूट्स निकले हैं। कुछ प्लांट्स तो मैंने 6 months पहले से लगाए हुए कप्स में, और अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और कुछ प्लांट्स के तो बेबी प्लांट्स भी प्रोपोगेट हो चुके हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट्स के मैंने कटिंग्स लगाई थी तो उनमें से छोटे छोटे 2 बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो वैसे ही बहुत सारे प्लांट्स आप इतने छोटे छोटे कप्स में प्लांट्स लगा के आपका गार्डन डेवलप कर सकते हैं। तो आप कोई भी बहाना मत बनाइए, और जल्दी से आप कीजिए या फिर अपने बच्चों से करवाइए, और अपने घर में भी एक छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपको ऑक्सीजन तो देगा ही, आपकी लाइफ को स्ट्रेस भी तो करेगा ही, लेकिन आपके घर में बहुत सारी ग्रीनरी, खूबसूरती और बहुत सारी खुशियाँ ऐड कर देगा। तो अब इस मिनी गार्डन के लिए एक मिनी वाटर कैन तो होना ही चाहिए। तो देखिए, मैंने इस छोटे से पीतल के वाटर कैन को इस अपने गार्डन के लिए रेडी कर लिया है, और इससे पानी डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और आप ये काम अगर बच्चों को बोलेंगे तो उनको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो ये भगवान जी का कुछ सामान था, लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करती थी, तो कम से कम ये ऐसे कामों के लिए तो यूज़ हो रहा है। और वैसे भी आप इसे अपने प्लांट्स के साथ टेबल पर रख दीजिए और वो बहुत अच्छा लगता है, और आपके क्यूट क्यूट प्लांट्स के साथ रखा हो ये क्यूट प्यारा सा एंटिक ब्रास का वाटर कैन आपके घर में एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड करेगा। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने घर में कौन कौन अपने कप्स में कौन कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं और इनकी केयर मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने लगाया था रियो का प्लांट, या फिर इसे बोट लीली भी कहते हैं, लेकिन इसकी हालत थोड़ी ये हो गई है, 15 दिन के बाद मैं देख रही हूँ कि इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा लेगी हो चुके हैं, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कट कर दूँगी, क्योंकि बहुत इतने छोटे से इसमें ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा रही हूँ क्योंकि यही एक प्लांट है जो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने लगाया हुआ ये 6 महीने से मैंने लगाया हुआ है रियो का प्लांट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें थोड़े से वेरीगेटेड पत्ते हैं, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरा ये है जेट प्लांट की मैंने कटिंग लगाई है यहाँ पर, इस
इसके भी थोड़े से पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। फिर ये सिंगोनियम का है, बेबी पिंक सिंगोनियम इसके इसे कहते हैं शायद। तो इसका ये छोटा सा डॉर्फ वैरायटी का है। मैंने इसे अपने मेन प्लांट से ही कट करके पहले पानी में प्रोपोगेट किया और फिर इस कप में लगा दिया। और ये दूसरा है मेरा जो डॉर्फ वैरायटी का होता है स्नेक प्लांट, तो ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे और उसमें से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। ये मैंने दिवाली से भी पहले लगाए हुए थे। नेक्स्ट प्लांट है वंडरिंग जू, जो मैंने 6 महीने से इस कप में लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सनलाइट पूरी तरह से ना मिलने की वजह से इसका जो वेरिएशन है पत्तों का पर्पल कलर का वो ख़त्म हो रहा है। तो धीरे धीरे ये ग्रीन होते जा रहे हैं, जो न्यू ग्रोथ भी हो रही है वो ग्रीन ही कलर की हो रही है। पर्पल हार्ट है, इसमें ये छोटी 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 ग्रोथ निकल आई है। ये भी मैंने 6 मंथ से लगाया है, देखिए आपको दिख रही होगी छोटी छोटी ग्रोथ। ये रियो के प्लांट में भी छोटे सा बेबी पब निकल आया है, छोटा सा दिख रहा है, बहुत प्यारा लगता है जब इतने छोटे से कप में और एक प्लांट तैयार हो जाता है एक्स्ट्रा, कितना अच्छा लगता है। इसमें भी ये नए शूट्स निकल रहे हैं, हालांकि पहले बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं लेकिन फिर भी नए शूट्स भी निकल रहे हैं। नेक्स्ट है वेरिएटेड येलो लाइंस वाला स्नेक प्लांट, में मैंने ये कटिंग से प्रोपोगेट किया है, इसमें कटिंग्स लगाई हुई थी और ये 2 नए प्लांट्स निकल आए हैं और ये छोटा सा और एक निकल रहा है। येलो लाइंस वाला जो स्नेक प्लांट होता है ये उसकी कटिंग्स है, लेकिन अभी बेबी प्लांट्स में वो वेरिएशन दिख नहीं रहा है। ये जो वंडरिंग जू का प्लांट है ये मैंने 6 महीने से लगाया हुआ है कप में, इसकी भी कटिंग मैं अपने फ्रेंड से लेके आई थी और देखिए बहुत सारे बेबी शूट्स निकल आए हैं उसमें से, और लेकिन इसका कलर बहुत फेड हो गया है। तो इन सारे प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारे कप में होल नहीं है, तो पानी जाके सिर्फ पत्थरों में स्टोर हो इतना ही पानी हम उन्हें डालेंगे, 1 या 2 घूंट पानी हम उसे डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है और उसमें ही वो 1 हफ्ता सर्वाइव कर जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर से आप उनसे पानी डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनके जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे और सड़ जाएंगे और इससे प्लांट्स मरने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो कम पानी तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पहले आप उंगली डाल के मिट्टी चेक कीजिए और फिर ही अब इस प्लांट्स को पानी देना है, तो 1 हफ्ते बाद इनफ है। तो ये है और एक मेरा नियॉन पोथोस जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये है मेरे सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स छोटे छोटे बेबी प्लांटर्स में। तो आपको ये कलेक्शन कैसा लगा प्लीज़ बताइए और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने इन्हें लगाया या नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय।